तो गैस देखें, यहाँ पर मैंने लिया एक मीडियम साइज का प्याज और इसको मैं कर लूंगी कद्दूकस। हेलो गैस, वेलकम माय न्यू वीडियो। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गैस आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ न्यू हेयर से रिगार्डिंग वीडियो। तो गैस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, और जिसने भी अभी तक मेरी पिछली वीडियोज नहीं देखी है तो जाकर प्लीज चेक कर लीजिए। बहुत ही अच्छी वीडियो मैंने हेयर्स के रिगार्डिंग डाली हुई है अपने चैनल पर। तो अभी गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं आई हुई हूँ अपनी छत पर, और छत पर क्या करने आई हूँ मैं आपको बताती हूँ। आज मैं, मेरे पास बहुत कमेंट आए थे कि दी आप थोड़ा हेयर लॉस के लिए कुछ बताइए और बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा है उसके लिए कुछ बताइए। तो गाइस आज मैं आप लोगों के लिए दो हेयर रेमेडीज ऐसी बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप बहुत ही सुंदर से बाल पा सकते हैं, बिल्कुल डैंड्रफ फ्री, और बहुत ही जल्दी आपकी हेयर ग्रोथ होगी। तो गाइस फर्स्ट है, आपको मैं अभी वीडियो में बताऊंगी आपको कि पहला तो आपको लगाना है प्याज का रस, ठीक है। आपको कद्दूकस करके प्याज कर ले, जो भी है मैंने वीडियोस में, पहले आपने वीडियो में देख लिया है किस तरीके से तैयार किया है। और सेकंड है आपको एलोवेरा साथ ही साथ लगाना है उसके, क्योंकि प्याज के रस लगाने से आपके हेयर में बहुत स्मेल से आने लगते हैं। जिनको स्मेल से एलर्जी है, जिनको अच्छी नहीं लगती प्याज की स्मेल, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये, आपको लगाना है एलोवेरा। इससे क्या होगा, आपके बालों में एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस आएगी, आपके बाल एक्स्ट्रा शाइनी बनेंगे और ज़्यादा मजबूत बनेंगे, और साथ ही साथ जो प्याज की स्मेल है उसको भी दूर करेगा एलोवेरा। तो मैं अभी गाइस आई हुई हूँ अपनी छत पर, आप देख सकते हो ये है मेरा एलोवेरा का पेड़, और अभी मैं एलोवेरा लूँगी यहाँ से, और एलोवेरा लेकर फिर सीधा चलते हैं नीचे, और नीचे जाकर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको किस तरीके से अपने हेयर्स में इसका एप्लीकेशन करना है। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पर तोड़ लेती हूँ एलोवेरा। तो गाइस आप देख सकते हो ये है हमारा एलोवेरा का पेड़, ये बच्चों ने थोड़ा इनके ऊपर से तोड़ दिया ना, इसकी वजह से सूखे पड़े हैं, बट बहुत ही अच्छा होता है घर में एलोवेरा। जब चाहो फेस के लिए, स्किन के लिए, हेयर्स के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, यहाँ तक कि पेट के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है एलोवेरा। अगर आपके पास में फ्रेश है तो आप ये ले लीजिए, नहीं है तो आप मार्केट से मिलता है जेल, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ से एक लीव्स तोड़ूंगी और उसी को मैं अपने हेयर्स पर उसी का एप्लीकेशन आपको करके दिखाऊंगी। तो अभी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि मैं कौन सी तोड़ूँ, थोड़ी पकी हुई सी, पकी मतलब जो थोड़ी अच्छी सी हो हेयर्स के लिए, मतलब ज़्यादा सा निकले, जिसमें आपको एक चक्कू कह रहे एक छुरी की सहायता से ऐसे धीरे से कट करना है, आपको लगे नहीं, क्योंकि इसमें होते हैं, इनके लीव्स में होते हैं कांटे जो कि आपके हाथ में लग सकते हैं। आप देख सकते हो ये कांटे जो होते हैं ना, ये आपके हाथ में लग सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने लीव्स ले ली है, आप देख सकते हो। अभी मैं इसको धोकर, जो इसकी साइड में कांटे हैं ना ये, इनको साफ कर फिर उसके बाद इसका एप्लीकेशन करूँगी अपने हेयर्स में। तो चलेगा इस, चलते हैं नीचे और शुरू करते हैं अपनी हेयर रेमेडी। तो गैस आपको यहाँ पर सबसे पहले जो आपने प्याज का रस लिया है उसको अच्छी तरीके से, एक आप चाय छन्नी ले लीजिएगा, उसमें उसको डालकर उसका रस अलग निकाल लीजिएगा, और उसको फिर सबसे पहले अपने स्कैल्प में लगाना है। आपको बालों के अदर लेंथ में लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको स्कैल्प में लगाना है, ताकि जो भी आपके स्कैल्प में डैंड्रफ हो गया है और आपके हेयर्स की ग्रोथ जो रुक गई है वो दोबारा से रीग्रोथ होना शुरू हो जाए आपके हेयर्स। और उसके बाद मैं यहाँ पर लूँगी एलोवेरा, जो कि मेरे घर के ही प्लांट का है, मैंने घर पर ही प्लांट लगाया हुआ है एलोवेरा का, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है हेयर्स के लिए एलोवेरा लगाने की, तो इसलिए मैंने घर पर ही लगाया हुआ है। अगर आपके पास घर का ना हो तो आप मार्केट से भी ला सकते हो, एलोवेरा जेल आता है वो भी बहुत अच्छा होता है हेयर्स के लिए। तो गाइस यहाँ पर मैंने पहले प्याज का रस लगा लिया था, और उसके बाद में मैं लगा रही हूँ एलोवेरा बहुत ही अच्छे तरीके से। आप देख सकते हो मैं पूरे बालों पर लगाऊंगी एलोवेरा। एलोवेरा लगाने से फ़ायदा यह होगा, जो प्याज का रस है वो तो आपके हेयर्स की रीग्रोथ को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी, और एलोवेरा लगाने से जो प्याज के रस की स्मेल है ना, और ज़्यादा सॉफ्टनेस के लिए ये एलोवेरा लगा रही हूँ मैं अपने बालों में। तो गैस मैं आ गई हूँ हेयर वॉश करने के बाद छत पर, जैसे कि आपको हर रील्स में हर वीडियो में मैं दिखा देती हूँ अपनी छत पर, बिकॉज जिस दिन मैं अपना हेयर वॉश करती हूँ मैं उस दिन बहुत सारी वीडियो शूट करती हूँ अपनी, क्योंकि ज़्यादातर मतलब कि मोस्टली लोग भागों को, भाई बहनों को मेरी हेयर्स की रिगार्डिंग वीडियोस बहुत अच्छी लगती है गाइज। तो इसीलिए मैं जिस दिन भी अपना हेयर वॉश करती हूँ ना,
उसी दिन मैं आकर छत पर अपनी वीडियो शूट करती हूँ और ड्राफ्ट में डाल लेती हूँ, फिर मैं उन्हें अपलोड करती रहती हूँ। तो क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता ना डेली डेली इतने लंबे बालों के साथ वीडियोस बनाना, इसीलिए। तो गाइस आज मैंने बहुत अच्छी सी हेयर रेमेडी आप लोगों से शेयर किया, इसे फॉलो कर आप पा सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल से बाल, बिल्कुल मेरी तरह जैसे कि आप देख पा रहे हो। बस थोड़ी सी हवा तेज़ और थोड़ी तेज़ लग रही है। मैं हर वीडियो में कहती हूँ इतनी आप लोगों के लिए मेहनत करते हो तो ज़्यादा लाइक शेयर कर दिया करो। आजकल क्या हो रहा है ना, आपके पास बहुत कम मिल रहा है मेरी वीडियोस को, ज़्यादा से ज़्यादा देखो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जल्दी जल्दी मेरे 1 मिलियन करवा दो यार सब्सक्राइबर। बहुत अच्छी सी पार्टी दूंगी मैं आप लोगों को जब मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स होंगे या सब्सक्राइबर होंगे। तो गाइस चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो, पहले मैं आपको अपने बाल दिखा देती हूँ, देखिए अब दिख रहे हैं लंबे। अगर आप चाहते हो ना इतने लंबे बाल पाना तो ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको जो मैं बताती हूँ ना वो वाली हेयर रेमेडी फॉलो करनी है वीक टू वीक, मंथली, हर मंथली, मतलब 2 से 3 महीने में आपके बाल बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ये मैं गारंटी से बोल रही हूँ गाइज। तो आज की हेयर रेमेडी थी बहुत ही सिंपल सी थी एकदम, और बहुत ही इजी, क्विक एंड इजी थी, जो कि आप आराम से घर पर कर सकते हो। अगर आपके पास 10 मिनट है ना तो आप 10 मिनट में भी ये वाली हेयर रेमेडी ट्राई कर सकते हो। तो गाइज आप आज मैंने बहुत सारे मेरे पास कमेंट आए थे कि दी हमारे हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक्सट्रीमली हेयर लॉस हो रहा है, तो उसी के ऊपर मैंने आज वीडियो बनाई है। तो गाय को लेना है एक प्याज, मीडियम साइज की प्याज लेनी है, और उसको कद्दूकस करने के बाद उसका जो रस निकलता है ना वो आपको अच्छे तरीके से अपने स्कैल्प में लगाना है। आपको अदर लेंथ में, बालों की लेंथ में लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपने स्कैल्प में लगाना है, क्योंकि आपके बालों की प्रॉब्लम जो है ना वो आपके स्कैल्प से शुरू होती है। तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम्स को जड़ से मिटाना है, तो स्कैल्प पर ही उस रस को लगाना है, बट आपको अच्छे तरीके से लगाना है जो कि वो सारे बालों में अच्छे तरीके से लग जाए। और उसे किसी को, मेरी बहनों को प्याज की स्मेल अच्छी नहीं लगती होगी या दिक्कत होती होगी, तो उसके लिए मैंने उसमें बाद में लगाया अपने हेयर्स में एलोवेरा, क्योंकि मेरे घर पर प्लांट है तो इसलिए मैं अपना नेचुरल तरीके से एलोवेरा यूज़ करती हूँ अपने हेयर्स में। अगर आपके पास नहीं है प्लांट, अगर आपके पास घर का एलोवेरा नहीं है तो आप जाकर मार्केट से ले आइए। एलोवेरा जेल आता है, पतंजलि का आता है, और अदर कंपनीज का भी आता है, अदर ब्रांड का भी आता है, तो आप कोई सा भी यूज़ कर लीजिए, एलोवेरा जेल बहुत ही अच्छा होता है। तो गाइज इसीलिए मैंने अपने हेयर्स पर लगाई है ब्यूटीफुल सी हेयर रेमेडी ट्राई किया, जिसे लगाने से एक तो जो प्याज की स्मेल होती है वो गायब होगी, साथ ही साथ जो आपके पूरे वीक अगर आप हेयर वॉश नहीं करोगे ना, मैं 4 से 5 दिनों में हेयर वॉश करती हूँ तो मुझे थोड़ी ड्राई ड्राइनेस ही आ जाती है। अगर मेरे बाल दो से, मतलब लगता है ना कि अगर मेरे बाल थोड़े भी ज़्यादा टूट रहे हैं ना, मैं जरूर कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, तो मुझे लगा था इस वीक तक थोड़े मेरे बाल 10 से 5 ज़्यादा टूट गए, तो इसलिए मैंने प्याज का रस लगाया, और मुझसे पूछा भी जा रहा था, कमेंट की जा रही थी, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किए वाली वीडियो। तो आप देख सकते हैं मेरे बालों की चमक, बस देखा करो यार, नज़र मत लगा करो, फिर मुझे नज़र उतारनी पड़ती है ना, बहुत मेहनत लगती है, इसलिए बोलती हूँ बस देखा करो। आपको दिखाती हूँ, मैं और किसी को दिखाती नहीं हूँ, मैं अपने बाल पता कहीं पर भी नहीं खोलती हूँ, कहीं पर भी, कहीं बाहर में जाऊँ या घर पर रहूँ, मैं कभी अपने बाल नहीं खोलती, बस आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ जब बाल खोलती हूँ, वरना मैं बाल नहीं खोलती। और गाइज नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ बहुत ही अच्छी, जो कि मेरे पास इतनी भर भर कर कमेंट आ रही है कि दी आप हमें बता दीजिए आप कौन सा हेयर ऑयल लगाते हो। अभी तक तो मैं, अब से 2 महीने पहले तक तो मैं इंदुले का लगाती थी, बट मैंने छोड़ दिया, मैंने न्यू हेयर ऑयल मंगाया है, ऑनलाइन मंगाया था, उनका इंस्टा पर पेज है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। बाकी ऑयल इतना बेस्ट है कि अगर आप लोग लगाओगे ना 1 महीने में आपको रिजल्ट मिलेगा, ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि आप उस ऑयल को लगाना ही नहीं छोड़ोगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट। मैं हर वीडियो बनाती हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसी की लेकर आने वाली हूँ। तो गाइस चलिए, ये छोटी सी हेयर टिप्स की रिगार्डिंग वीडियो थी आप लोगों के लिए, हेयर्स के रिगार्डिंग वीडियो थी, जो कि मेरे तरह बाल बढ़ाना चाहते हैं बहुत सारी लेडीज़ों को, मेरे बाल बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मुझे, मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और ऐसी वीडियोज़ को मेरी को प्यार दिया करिए। तो ऐसे ही मैं न्यू हेयर्स के रिगार्डिंग वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो चलिए, अगर आप लोगों को, आई होप आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत कर भूलना। चल मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।